अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगर ट्यूटोरियल की एक और क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है ब्लॉगिंग पोस्ट के अंदर बॉर्डर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है या कोई वीडियो है जिसको आप नुमाया करके दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको इर्द गिर्द जो है बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक न्यू पोस्ट ओपन करके बैठा हुआ हूँ। इस वक्त एक ब्लॉगर मैंने जो बनाया था इक्रम्स एक्सचेंज का, इसमें न्यू पोस्ट मैंने क्लिक किया है या मैं पोस्ट एडिटर में इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर दो टैब हैं, एक है कंपोज और एक है HTML। आपने HTML टैब पे क्लिक करना है और यहाँ एक कोड आपने लिखना जो मैं आपको बताने लगा हूँ, और यहाँ बड़ा बड़ा करके शो होगा जो बॉर्डर आपने क्रिएट करना है उसका कोड। पहले हम लिखेंगे डाइव स्टाइल इक्वल अपोस्ट्रॉफी बॉर्डर, उसके बाद कॉलम इन डबल डॉट्स, उसके बाद 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन, उसके बाद सेमी कॉलम यानी डॉट और कॉमा, उसके बाद पैडिंग फिर डबल डॉट 10 पिक्सल, उसके बाद उसी तरह से सेमी कॉलम दोबारा यूज़ करेंगे और अपोस्ट्रॉफी के साथ उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और उसके बाद आपने जो कंटेंट उस बॉर्डर के अंदर देना है वो आपने यहाँ लिखना। अगर आपका टेक्स्ट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो आपका कंटेंट जो आपने लिखना है या जो पिक वगैरह देनी है अगर आप कर लें जो HTML कोड भी है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसको डाइव आईडी के साथ आपने क्लोज करना है, जिसे हमने स्टार्ट किया उसी के साथ इसको क्लोज करना है। और फिर आपने इसको कंपोज पे क्लिक करना है, आपका बॉर्डर जो है वो शो हो जाएगा। ये देखिए बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। इसके अंदर आप टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहे, पूरे बॉर्डर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें, मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल, ये मेरा पैगाम भी है आप लोगों के लिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसको सेंटर में कर लेते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लॉगिंग कोर्स की ये सेकंड लास्ट वीडियो है और इसके बाद आखिरी वीडियो, टेम्पलेट को कस्टमाइज करना होगी। उसके बाद फिर आप लोगों की फरमाइश पर ही ब्लॉगर के ऊपर वीडियोस बना के दूंगा, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी, जिस टॉपिक को आप या जिस गैजेट को यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से फिर वीडियो क्रिएट की जाएगी। चलिए अब इस कोड को थोड़ा कस्टमाइज करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि बॉर्डर को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। HTML में आपने जाना है और जो कोड आपने दिया था उसमें था बॉर्डर के आगे 1 पिक्सल। उससे यह है कि आपकी बॉर्डर की जो लाइन है अगर आप इसे 3 पिक्सल कर देते हैं तो आप देखेंगे बॉर्डर की लाइन मोटी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। ये देखें ज़्यादा नुमाया हो वो शो होगा, 5 करेंगे तो उससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और 1 पिक्सल बिल्कुल नॉर्मल हालत में होगा। ठीक, 1 पिक्सल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है सॉलिड। सॉलिड बिल्कुल आम रेक्टेंगल है, इसको आप डॉटेड डैश्ड ग्रूव इनसेट आउटसेट आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इनसेट पसंद है, मैं इनसेट लगाऊंगा, इससे क्या होगा कलर की डबल शेप आएगी। देख मैं आपको दिखाता हूँ, इनसेट यूज़ करूँगा मैं। ये देखिए ऊपर वाली दो जो लाइनें हैं उनका कलर डिफरेंट है और नीचे वाली
लाइंस का कलर जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद कोड के अंदर तीसरी चीज़ है ग्रीन। इसको अपने हिसाब से आप हेक्स कोड भी देख सकते हैं कलर का, जो आप चूज़ करना चाहते हैं बॉर्डर का, या कलर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ऑरेंज जो मैंने लिखा है, अभी कंपोज करूँगा, ऑरेंज कलर का बन जाएगा। इसके बाद HTML सेक्शन में पैडिंग पे लिखा है 10 पिक्सल। असल में अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे तो जो बॉर्डर है वो टेक्स्ट को टच करेगा, अगर आप 20 करेंगे तो वो बहुत दूर चला जाएगा, और 10 जो है वो डिफ़ॉल्ट है। तो आप 10 यूज़ करें, जो कि सही, मैं आपको दिखाता हूँ 1 by 1। ये ज़ीरो किया तो थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और अगर इसका आप 20 कर देंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। ये देखिए बहुत दूर चला गया। तो बेस्ट यही है कि आप 10 पिक्सल ही यूज़ करें। कोड बहुत आसान है। टाइप स्टाइल इज इक्वल अपोस्ट्रोफी बॉर्डर डबल डॉट 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन सेमी कॉलन पैडिंग डबल डॉट 10 पिक्सल सेमी कॉलन अपोस्ट्रोफी क्लोज डाइप, उसके बाद आपका कंटेंट जो है, और फिर टाइप की क्लोजिंग आईडी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बॉर्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं ये भी आपको समझ आई होगी। मैं आपको पोस्ट पब्लिश करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा बॉर्डर बना है, किस तरह से पोस्ट के अंदर शो होगा। हमारी लास्ट वीडियो जो इस कोर्स की है वो कस्टमाइज टेम्पलेट की होगी। पूरी टेम्पलेट को कस्टमाइज करना मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे कोर्स को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें ब्लॉग पे काम करना नहीं आता, या वो करना चाहते हैं उन्हें ब्लॉग बनाना नहीं आता। ये देखिए हमारी ये पोस्ट जो हमने अभी क्रिएट की, बॉर्डर कैसे लगाते हैं। अभी तक का मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।